पंक्ति में आप जुं कि विषय विचारे कि विषनु विषय कर नाखो और विषय ना विष कर हाथ कापी नाखो जो पच्चीसमी पंक्ति की मजा लीए एक नेत्र काजल काढ़ बीजा नेत्र नीर जो विषय शू कर एक आँख में आम काजल लीधो बीजी आँख में नीर आँसू पानी लीधु आँखन होशियार है चालाक है चबड़ाक है राजकुमरी है तरणा वते लख्यु तारुणीए जो बराबर जो दरी हृदया मध्य धीर हृदय पर धीर राखी ने खूब धीरज राखी ने बाजू में पड़ेलो घास नु तणखलु लई काजळ लीधु आँसू लीधु बेने भेगु करी ने विष्णु शू कर तो विषय कर लीख जो प्रमाणनी आज खासियत छे मित्रों आपने क्या थी क्या लई जाए तरत ज कल्पना पण ना होय के विष्णु विषय थई शके एक आँख में काजल लीधु बीजा में पानी लीधु घास तणकड़ू लीधु विष तो लखेलू पाछड़ एक अक्षर उमेरी दीधो या हवे तो छवीसमी पंक्ति में के नारद कहे सांभळ रे अर्जुन आखेन में हमेशा कोई कोई ने कथा कहतु हो नारद अर्जुन ने कहता होय अथवा तो सुखदेव जी है जन्मेन्द्रजी ने कहता हो परीक्षित ने कहता हो आ कथा कहवाती हो नारद कहे सांभळ रे अर्जुन करता हरता अविनाश हे अर्जुन सांभळ मारो तारो हलावा वारो उपड़वारो उपरवाड़ो है अविनाश जेनो नाश न थाय शब्द समूह माटेनो एक शब्द अविनाश भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम बैठो छे मारुं तारू बधुं करवा वाळो आ नारद कहे सांभळ अर्जुन करता हरता अविनाश विष फेड़ी जो विष फेड़ी कैंसल करी दूर करी विषया करी विषमांथी विषया कर नाख्यो जो प्रेमानंदनी चमत्कृति आवो धैर्य पण ना होय एम उगार्यो चंद्रहास आपणो शीर्षक पड्यो आवी रीते चंद्रास ने उगारी लीधो कल्पना करो कि दृष्ट बुद्धिए जे चंद्रास ने मारवा माटे थईने एना ज हाथे पत्र कसे बांधीने मोकल्यो तो एने दृष्ट बुद्धिनी पुत्री जोई जाए ए जोया पछी पत्र वाँचे वाँच्या पछी विष्णु विषया करे आ तो भाई जेने हरिनो हाथ होय जेने राम राखे एने कोण चाखे चंद्रास ने उगारी लीधो बचावी लीधो चंद्रास बची गयो मौत माथी एम उगारियो चंद्रहास पत्र फरी बांधियो प्रेमदाए जड़ भरती ते नेण पत्र ने वड़ी पाछो वाड़ी दीधो कसमा हड़वे थी बांधी दीधो चंद्रास तो सूतो छे जागे नहीं एवी रीते बांधी दीधो आटलू बधु लखीन परिवर्तन करना गयो चंद्रास ने खबर नहोती अने पछी जड़ भरती ते नेण खुशीना आंसू आँख में आव्या रड़वा लागी उठी अबड़ा चाली त्यांथी मुखे कहती वेण उठी यहाँ हवे हरक गेली थी गई अने चालता चालता अबड़ा कहता स्त्री यहाँ ऊबी थी चाली अने चालता चालता बोले छे शू बोले छे हवे तो राजीपो छे एने पोताने विषया एकने ज खबर छे कि एने शू कर्यु छे शू कहे पंक्ति में प्रेमानंद तो के घेर जईने वाट जोऊं छू जो जाता जाता बोले छे घेर जईने वाट जोऊं छू राह जोऊं छू कोनी तो के उतावळा तमो आवो पहला चंद्रास ने खबर ज नथी जे पत्र बांधेलो छे मां शुं लख्युं छे मात्र विषय एक ज जाणे छे तो उतावळा तमे झड़पथी त्यां आवो राजमहल नी अंदर मदन भाई ने मळजो स्वामी जो शब्द मूकी दीदो मदन भाई ने मळजो स्वामी मन थी वरी चूकेली पत्र लख्यु तेला जे पत्र लख्यो छे विषय जे सुधारो कर नाखो विष्णुदेव विषय विषय ज जाणे छे એટલે ભાઈ મદન ને તરત મળો અને મારો સ્વીકાર કરો એ હરખ ગેલી થઈ ગઈ અરે આનંદિત થઈ ગઈ અને છેલ્લે વલણમાં વલણમાં એટલે સોળમાં કડવામાં શું હશે એ પ્રેમાનંદ અહીંયા આપણને બે પંક્તિમાં કહે છે પત્ર લખ્યું તે લાવો સ્વામી એમ કહી વિષ્યા વળી રે આવું બોલતા બોલતા વિષ્યા અહીંયાથી ઊભી થઈ અને આગળ રાજમહેલ તરફ ગઈ ચાલી ગઈ હવે પ્રેમાનંદે જે સખીઓને શરૂઆતમાં પહેલાં બગીચાની બહાર મૂકી હતી હવે સખીઓ તરત જ આવે છે આજ પ્રેમાનંદની મજા છે લખ્યું તે લાવો સ્વામી એમ કહી વિષ્યા વળી ત્યાંથી ચાલી નીકળી પહેલો તો હજી સૂતો જ છે થરથર ધ્રુજે ને કાંઈ ન સૂજે આ જે વિષ્મથી વિષ્યા કર્યું હતું હવે એના શરીર ઉપર એના મન ઉપર એના હૃદયના ભાવો ઉપર એનું કાબૂ નથી એટલે થરથર ધ્રુજી રહી છે આપણને ક્યારેક અચાનક કોઈ ખુશી મળી જાય
तो आपणो शरीर छे आखो रोमांचित थाय आपणा आपणा मन पर, आपणा विचार पर, आपणा शब्दों पर, अरे आपणा होठ पर पण आपणो काबू होतो नथी। आ आनंद छे थरथरुजे कायनसुजे सखी ज्यां सामी मळी रे, सखीओ सामी ज्यां मळी त्यां तो विषयनी स्थिति आवी थई गई थी, कारण के विषयने ज खबर हती के हवे जे एने पामवानुं छे, जे एने मळवानुं छे, ए जे मूकीने आवी छे ए ज एने मळवानुं छे। तो अहीं प्रेमानंदनुं आख्यान खंड 15મો કડવું આપણે બરાબર ભણ્યા, સમજ્યા, એના મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે એ આપેલા હશે। કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને વોટ્સઅપના માધ્યમથી પૂછી શકો છો। ભણતા રહો, જોડાયેલા રહો।